हेलो, आज हम इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इवन एंड ऑड फंक्शंस के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम ये सीखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग यदि हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कर दें तो उसकी लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल है एक्स एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल है टी, लेकिन दोनों ही साइड लिमिट्स सेम हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को टी से रिप्लेस कर दें तो डीएक्स को हम डीटी से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया है। अब अगली प्रॉपर्टी यह है कि यदि हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसकी लिमिट्स को एक्सचेंज कर दें, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, तो बस एक माइनस साइन आगे आ जाता है, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिमिट्स हैं ए टू बी एंड राइट हैंड साइड में लिमिट है बी टू ए, तो राइट हैंड साइड में एक माइनस साइन आगे आ गया है। इसका भी प्रूफ हम देख सकते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। अब यदि हम इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस एफ बी, एंड एफ ए माइनस एफ बी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, और एक माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमें राइट हैंड साइड वाले पार्ट मिल गया है। इसका मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि हमें किसी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी, तो हम इंटरवल ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी लेकर इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और लिमिट्स हो जाएंगी ए टू सी देन सी टू बी। तो इस तरह हम अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लिख सकते हैं कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, जहां कैपिटल एफ स्मॉल एफ के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एक टर्म एफ सी सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड एफ सी एड कर देते हैं, जिससे कि हमारे फाइनल आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ बी माइनस एफ सी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, एंड एफ सी माइनस एफ ए को लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अब यदि हम इनको रीअरेंज कर दें तो हमारा प्रूफ हमें मिल गया है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया है। अब इसे हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। माना ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है और हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फाइंड करना है। इसका मतलब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी कंसीडर करते हैं। तो अब हम ए से बी के बीच का एरिया को फाइंड करने के लिए पहले हम ए से सी के बीच का एरिया फाइंड करते हैं, देन उसके बाद सी से बी के बीच का एरिया को फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें ये टोटल एरिया फ्रॉम ए टू बी मिल जाता है, और यही हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना हमें फंक्शन मोड एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम माइनस फाइव टू फाइव, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस
जो हमारा फंक्शन है वह है मॉड x प्लस 2, और मॉड x प्लस 2 कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वह x इज इक्वल टू माइनस 2 पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसका माइनस 5 से 5 के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 5 से माइनस 2 के बीच में, देन माइनस 2 से 5 के बीच में, क्योंकि इन दोनों अलग अलग इंटरवल्स के लिए फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो अभी हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां यदि आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो हमने पहले फंक्शन को माइनस 5 से माइनस 2 के इंटरवल में ब्रेक किया है, एंड उसके बाद माइनस 2 से 5 के इंटरवल में ब्रेक किया है। अब हम इसको आगे कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो मॉड x प्लस 2 है वह माइनस 5 से माइनस 2 के बीच में माइनस x प्लस 2 के इक्वल होगा। एंड अब यदि इंटरवल माइनस 2 से 5 के बीच में देखें तो यह फंक्शन मॉड x प्लस 2 के इक्वल ही होगा। तो हम इसके इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, जिसका कि इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 29।